नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीट मेल टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम और हम आए हैं आज लुड़िंदा राम छोले कचौरी वाली शॉप पे, जो कि बहुत पुरानी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे टीवी चैनल ने खाना खजाना का एक नया प्रोग्राम शुरू किया, जो लजीज पकवान बनाते हैं उनके पास हम जाके उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या राज है जो कि लोग उनके खाने के इतने दीवाने हैं। तो आज हम बात करेंगे चिरंजीव लाल जी से। सर नमस्कार, आपने हमें समय दिया। हाँ जी सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपने ये काम शुरू किया छोले कचौरी लुड़िंदा राम जी के नाम से, तो सबसे पहले आप उनके बारे में कुछ बताइए सर। वो पहले पिताजी पाकिस्तान में यही काम करते थे, पाकिस्तान के यहाँ उसके जो दोस्त थे वो उसको यहाँ ले आए भिवानी से। हाँ, पर यहाँ आके उन्होंने उनकी मदद की, यहाँ ये काम किया। काफ़ी टाइम वो चलाते रहे, उनकी डेथ के बाद मैं 34 साल से मैं बैठा हूँ। आपको सर याद है कि वो पाकिस्तान से किस टाइम, मतलब कौन से सन में यहाँ आए थे? जब ये देश आज़ाद हुआ था उस टाइम आए थे। अच्छा। 47 में। हाँ जी। जब ये रोला मचा था। हाँ जी, हाँ जी। उसी टाइम आए। उस टाइम आए। हाँ, वहाँ से तो सीधा आए थे भिवानी। हाँ जी। भिवानी से पर जो उसके दोस्त थे पाकिस्तान के वो यहाँ फतेहाबाद लेके आए उनको। अच्छा, आपको अब 34 साल होंगे इस काम को करते हुए। फादर की डेथ होने के बाद ये मुझे संभालना पड़ा। वैसे तो मेरा एडमिशन कॉलेज में हुआ था, पर उनको पैरालाइज हो गया, फिर मैंने दुकान संभाल ली। मतलब आपने काम के सिलसिले में जो काम जो चलाना था उसके चक्कर में आपने स्टडी छोड़ दी। तो सर आपको कैसा लगता है कि लोग आपके इस जो आप भोजन बनाते हैं, क्या ऐसा आप उसमें मिलाते हैं जो लोग इतने दीवाने हैं? ये तो मालिक बाबे की मेहरबानी है जी, जिनकी सीट पर मैं बैठा हूँ उनका ही आशीर्वाद है। जो क्वालिटी वो देते थे वही क्वालिटी अब मैं दे रहा हूँ। राम जी थे आपके पिताजी, वो पाकिस्तान में भी इसी तरीके से छोले और पूरी का काम? हाँ, पूरी नहीं बनाते थे वहाँ, सिर्फ चने। चने। हाँ, चने और ऊपर से देसी घी का तड़का लगा के, और शाम को मूंग और चावल। अच्छा, शाम को। और आप भी यहाँ पे मूंग? यहाँ थोड़ा टाइम किया था फादर ने। हाँ जी। मैंने नहीं किया। अच्छा, आपने सिर्फ ये छोले और पूरी का काम? छोले और पूरी का काम। तो आप फिर सुबह कितने लोगों को आप अपना ये नाश्ता खिला देते हैं? ये तो कस्टमर पे डिपेंड है जी, कभी 100 हो गए कभी 150 हो गए, तो बाजार की मार्केट के ऊपर है। कोई आपका ऐसा भी कस्टमर पेट है जो रूटीन में यहाँ आके सिर्फ आपसे ही नाश्ता करते हैं? कई आते हैं जी, जो आपसे ही नाश्ता करते हैं। हाँ, वो ना हो तो कहीं जाते ही नहीं। तो आपको कैसा फील होता है कि भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं वो, नाश्ता करते हैं? मेरे को तो नहीं फील होता, मेरे को तो यही फील होता है कि मैं बाबे की गद्दी पर बैठा हूँ और उसका आशीर्वाद है। मेरे को तो आज तक मेरा नाम ही नहीं जानते लोग जी, लुड़िंदा राम जी के नाम से ही चल रहा है जी। छोटा सा बच्चा भी बैठा होगा वो भी यही कहेगा भाई लुड़िंदा राम की शॉप पे बैठा हूँ। बस बहुत बढ़िया महसूस होता है जी, इज्जत देते हैं लोग, ऐसी बात नहीं। शहर के बहुत बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं। तो अंकल जी, आपने होम डिलीवरी भी शुरू कर रखी है? होम डिलीवरी अब लॉकडाउन में की है जी। अच्छा। जो पिछले सीजन लॉकडाउन लगा था जो अब लगा है, पहले नहीं देते थे जी, पहले शॉप पे ही होम डिलीवरी अब लॉकडाउन में ही शुरू की है जी। तो धंधा मंदा होने की वजह से तो डिलीवरी देनी पड़ती है जी। तो अभी भी आप अभी डिलीवरी दे रहे हैं, होम डिलीवरी? हाँ जी, दे रहे हैं जी। ठीक है, तो फिर जब मैं मंगवाऊँ तो आप प्लीज़ मेरे पास भी भेज। जरूर जरूर, ठीक है जी। तो ये थे हमारे साथ चिरंजीव लाल जी लुड़िंदा राम जी छोले कचौरी की शॉप से, और बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अपने बारे में बताया, अपने पिताजी के बारे में बताया। और बने रहिए स्ट्रीट मेल टीवी के साथ, हम कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, नई बातों के साथ। नमस्कार।